नमस्कार, मैं हूं प्रिया। साप्ताहिक रोजगार समाचार में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब लोक सेवा आयोग भर्ती विज्ञापन के बारे में। पंजाब लोक सेवा आयोग ने कृषि विकास अधिकारी के 141 रिक्त पदों को भरने के लिए रिक्त अधिसूचना की घोषणा की है। विज्ञापन संबंधी विवरण कुछ इस प्रकार है। भर्ती संगठन का नाम पंजाब लोक सेवा आयोग, पद का नाम कृषि विकास अधिकारी समूह ए, कुल रिक्तियों की संख्या 141 पद, शैक्षणिक योग्यता, आवेदक 60% अंकों के साथ कृषि विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, आवेदक मैट्रिक स्तर या समकक्ष में पंजाबी भाषा में उत्तीर्ण होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 37 वर्ष 1/1/2020 तक आरक्षित वर्ग के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट पंजाब सरकार के नियमों के अनुसार दी जाएगी। वेतनमान की बात करें तो 15,600 से 39,100 रुपए एवं ग्रेड वेतन 5,400 रुपए। नौकरी का स्थान कृषि विज्ञान पंजाब सरकार पंजाब राज्य। चयन का तरीका चयन प्रतियोगी लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। परीक्षा की तिथि 8/3/2020। आवेदन शुल्क पीडब्ल्यूडी के लिए ₹1,750, केवल पंजाब राज्य के ईएक्सएसएम के लिए ₹500, केवल एससी एसटी और पंजाब राज्य के बीसी के लिए ₹1,125, अन्य सभी के आवेदक के लिए ₹3,000 देने होंगे। भुगतान का तरीका आवेदन शुल्क केवल SBI के माध्यम से जमा कर सकते हैं। आवेदन कैसे करें तो इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले भर्ती अधिसूचना का पूरा विवरण पढ़ना आवश्यक है। भर्ती अधिसूचना विवरण और ऑनलाइन आवेदन PPSC के ऑफिशियल वेबसाइट के स्क्रीन पर दिखाए जा रहे वेब लिंक पर जाकर किया जा सकता है, जो की है ppsc.gov.in। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 20/2/2020 है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 27/2/2020 है। अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय भर्ती अधिसूचना के बारे में। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में रिक्त पदों को भरने के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। भर्ती से संबंधित विवरण कुछ इस प्रकार है। पद का नाम ऑफिस सबऑर्डिनेट, रिक्तियों की कुल संख्या 100, वेतनमान ₹13,000 से ₹40,270। पद का नाम ड्राइवर, रिक्तियों की संख्या 11 पोस्ट, वेतनमान ₹15,460 से ₹47,330। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ऑफिस सबऑर्डिनेट और ड्राइवर दोनों के लिए उम्मीदवार को सातवीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। ड्राइवर पद के लिए आवेदक को अंग्रेजी, तेलुगु, उर्दू या हिंदी पढ़ने या लिखने का ज्ञान होना चाहिए। उम्मीदवार का स्वास्थ्य और चरित्र अच्छा होना चाहिए। ड्राइवर पोस्ट के लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और 1 साल का ड्राइविंग का अनुभव भी आवश्यक है। आयु सीमा की बात करें तो 1/2020 को आवेदक की आयु 18 से 34 वर्ष तक होनी चाहिए। ऊपरी आयु में छूट SC ST BC को 5 वर्ष, PWD EXSM को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो SC ST PH EXSM के लिए ₹100 आवेदन शुल्क देने होंगे, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए ₹250 देने होंगे। भुगतान के तरीके की बात करें तो आवेदन शुल्क का भुगतान रजिस्ट्रार प्रशासन आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में किया जाना चाहिए। चयन प्रक्रिया आवेदक का चयन साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा के आधार पर होगा। आवेदन कैसे करें तो आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को भर्ती अधिसूचना का पूरा विवरण पढ़ना आवश्यक है। आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी केवल निर्धारित प्रारूप में डाक से भेजी जानी चाहिए। संलग्न की बात करें तो आवेदक पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, आवास, जाति, निर्वाहन केवल EXSM के लिए, विकलांगता केवल PH के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस, स्वास्थ्य 3 फोटोग्राफ जिसमें से एक आवेदन पत्र पर चिपकाई जानी चाहिए, स्वपता लिखा हुआ लिफाफा जिस पर ₹30 का डाक टिकट चिपका होना चाहिए। आवेदन शुल्क के ड्राफ्ट की पावती पूर्ण रूप से सही सही भरे गए आवेदन पत्र को इस पते पर भेजें। पता रजिस्ट्रार प्रशासन उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश नलापड्डू अमरावती जिला गुंटूर पिन कोड 5222237 आंध्र प्रदेश। आवेदन पत्र बताए गए पते पर अधिकतम 20/2/2020 तक पहुंच जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय भर्ती अधिसूचना के आवेदन पत्र के लिए आधिकारिक वेबसाइट sc.ap.nic.in पर विजिट करें। अब आगे हम बात करेंगे BECIL भर्ती 2020 अधिसूचना के बारे में। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड BECIL ने सर्वेयर और प्रोग्रामर के पद के लिए वैकेंसी नोटिस जारी की है। भर्ती से संबंधित विवरण कुछ इस प्रकार है। भर्ती संगठन का नाम ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड BECIL, पद का नाम प्रोग्रामर, रिक्त सीटें 2 पद, शैक्षणिक योग्यता कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की डिग्री या समकक्ष और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा प्रोसेसिंग और RDBMS में 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। वेतन ₹31,000 प्रतिमाह। पद का नाम सर्वेयर, रिक्तियों की संख्या 75 पद, शैक्षणिक योग्यता सर्वेक्षण में डिप्लोमा या समकक्ष और 2 साल का संबंधित कार्य अनुभव होना चाहिए। वेतन ₹19,000 प्रतिमाह। आयु सीमा उपरोक्त सभी पदों के लिए उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। नौकरी का स्थान दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA नई दिल्ली। चयन विधि आवेदक का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगी।
आवेदन शुल्क UROBC के लिए ₹500, SC/ST PH के लिए ₹250 देने होंगे। भुगतान का माध्यम आवेदन शुल्क ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भेजा जाना चाहिए, जो नई दिल्ली में पेबल होगा। आवेदन कैसे करें, तो इच्छुक उम्मीदवार जो सभी नियम और शर्त पूरे करते हैं उन्हें आवेदन करने से पहले भर्ती अधिसूचना का पूरा विवरण पढ़ना चाहिए। आवेदन पत्र केवल निर्धारित प्रारूप में भेजा जाना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ सभी सहायक दस्तावेजों को स्वप्रमाणित प्रति, फोटो और आवेदन शुल्क के प्रमाण की रसीद संलग्न होनी चाहिए। आवेदन पत्र डाक से इस पते पर भेजी जानी चाहिए। पता: उप महाप्रबंधक मानव संसाधन BECIL कॉर्पोरेट कार्यालय PECIL भवन C56A17 Sector 62 नोएडा 201307 UP। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 17/2020 है। भर्ती अधिसूचना विवरण एवं आवेदन पत्र के प्रारूप के लिए BECIL की आधिकारिक वेबसाइट www.becil.com पर विजिट करें। अब आगे हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी वैकेंसी नोटिस के बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी NIE ने विभिन्न पदों के लिए रोजगार अधिसूचना की घोषणा की है। भर्ती से संबंधित विवरण कुछ इस प्रकार है। पद का नाम प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, सी मेडिकल रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर। रिक्त पदों की संख्या 1, शैक्षणिक योग्यता एपिडेमियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, एक्यूटेरियल साइंस या हेल्थ मैनेजमेंट में MBBS डिग्री के साथ 4 साल का अनुभव या इसके समकक्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु आवेदक की आयु ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष तक होनी चाहिए। वेतन ₹64,000 प्रति माह। साक्षात्कार तिथि: इस पद के लिए इंटरव्यू 11/2020 को सुबह 9 बजे से होगी। पद का नाम प्रोजेक्ट रिसर्च असिस्टेंट। रिक्तियों की संख्या 20 है, जिसमें UR के लिए 8, EWS के लिए 2, OBC के लिए 5, SC के लिए 3 और ST के लिए 2 पद आरक्षित हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मेडिकल सोशियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, सोशल साइंस, सोशल वर्क, बायोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, लाइफ साइंस, सोशियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या समकक्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा UREWS 30 वर्ष, OBC 33 वर्ष, SC/ST 35 वर्ष। वेतनमान की बात करें तो ₹31,000 प्रति माह दिए जाएंगे। साक्षात्कार तिथि: इस पद के लिए इंटरव्यू 12/2020 को सुबह 9 बजे से होगी। पद का नाम प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 3 फील्ड। रिक्तियों की कुल संख्या 40 है, जिसमें UR के लिए 16, EWS के लिए 4, OBC के लिए 11, SC के लिए 8 एवं ST के लिए 1 पद रिक्त है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो साइंस सब्जेक्ट के साथ 12वीं पास और किसी भी पैरामेडिकल कोर्स या समकक्ष में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। वेतनमान की बात करें तो ₹18,000 प्रति माह दिए जाएंगे। साक्षात्कार की तिथि 13/2020 सुबह 9 बजे होगी। नौकरी का स्थान सभी पदों के लिए पद स्थापना तमिलनाडु में होगी। साक्षात्कार का स्थान ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी R127 सेकेंड मेन रोड TNHB अयप्पा कम चेन्नई 600077। इंटरव्यू में कैसे शामिल हो, इच्छुक उम्मीदवारों को पहले भर्ती अधिसूचना का पूरा विवरण पढ़ने का सुझाव दिया जाता है। इच्छुक उम्मीदवार दिए गए दिनांक, समय और स्थान पर योग्यता, अनुभव, आयु, जाति आदि के सभी दस्तावेजों की मूल और फोटो प्रतियों के साथ संलग्न आवेदक पत्र के साथ पहुंचकर साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के भर्ती अधिसूचना की विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट NEI.gov.in पर विजिट करें। अब आगे हम बात करेंगे नदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड NCL सिंगरौली में ट्रेनी पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। नदर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली ने ट्रेनी पैरामेडिकल स्टाफ के विभिन्न पदों पर कुल 52 रिक्तियों की भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया है। भर्ती विज्ञापन से संबंधित विवरण कुछ इस प्रकार है। कुल रिक्तियों की संख्या 52 पद, पद का नाम स्टाफ नर्स, रिक्तियों की संख्या 14 पद, शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट पास और ए ग्रेड नर्सिंग में डिप्लोमा, पद का नाम फार्मासिस्ट, रिक्तियों की संख्या 6 पद, शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन के साथ इंटरमीडिएट और फार्मेसी में डिप्लोमा, पद का नाम टेक्नीशियन पैथोलॉजी, रिक्तियों की संख्या 10, शैक्षणिक योग्यता पैथोलॉजी में डिप्लोमा, पद का नाम टेक्नीशियन रेडियोग्राफर, रिक्तियों की संख्या 7 पद, शैक्षणिक योग्यता रेडियोग्राफी में डिप्लोमा, पद का नाम फिजियोथेरेपिस्ट, रिक्तियों की संख्या 1 पद, शैक्षणिक योग्यता फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा, पद का नाम टेक्नीशियन डाइटिशियन, रिक्तियों की संख्या 1, शैक्षणिक योग्यता डाइटिक्स में डिप्लोमा, पद का नाम जूनियर टेक्नीशियन ECG, रिक्तियों की संख्या 7 पद, शैक्षणिक योग्यता 10+2 और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस, पद का नाम जूनियर टेक्नीशियन EEG, रिक्तियों की संख्या 1 पद, शैक्षणिक योग्यता 10+2 और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस, पद का नाम टेक्नीशियन डेंटल, रिक्तियों की संख्या 2 पद, शैक्षणिक योग्यता 10+2 और डेंटिस्ट्री में डिप्लोमा, पद का नाम ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन, रिक्तियों की संख्या 3 पद, शैक्षणिक योग्यता 10+2 और ऑडियोमेट्री में डिप्लोमा। आयु सीमा की बात करें तो आवेदक की उम्र 10/3/2020 को 18 वर्ष से 30 वर्ष तक होनी चाहिए। ऊपरी आयु सीमा में छूट सरकार के नियमों के अनुसार दी जाएगी। नौकरी का स्थान चयन के बाद आवेदक का पद स्थापना सिंगरौली सोनभद्र उत्तर प्रदेश में होगा। चयन प्रक्रिया: आवेदक का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, जिसकी संभावित तिथि 29/3/2020 है। परीक्षा केंद्र सिंगरौली सोनभद्र होगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो SC/ST PWD EXSM या NCL के स्टाफ के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। UROBC EWS के लिए ₹500 आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे। आवेदन कैसे करें, तो इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले भर्ती अधिसूचना का पूरा विवरण पढ़ने का सुझाव दिया जाता है। भर्ती अधिसूचना विवरण जानने के लिए या ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नदर्न कोलफील्ड लिमिटेड NCL सिंगरौली की ऑफिशियल वेबसाइट के वेब लिंक
NCLCIR.in पर विजिट करें। ऑनलाइन आवेदन 15/2/2020 से 10/3/2020 तक किया जा सकता है। अब आगे हम बात करेंगे CSIR CIMFR वैकेंसी नोटिस के बारे में। वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR के तहत केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान CIMFR धनबाद ने विभिन्न पदों के लिए एक भर्ती विज्ञापन अधिसूचना जारी की है। भर्ती से संबंधित विवरण कुछ इस प्रकार है। पद का नाम टेक्नीशियन ग्रुप 2, रिक्तियों की कुल संख्या 20, ट्रेडवाइज रिक्तियों की संख्या इलेक्ट्रीशियन 6, मैकेनिस्ट 3, फिटर 6, प्लम्बर 2, IT 3। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो साइंस सब्जेक्ट के साथ 10वीं कक्षा पास की और संबंधित ट्रेड में ITI पास हो। आयु सीमा की बात करें तो 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट सरकारी नियमों के अनुसार दी जाएगी। वेतनमान की बात करें तो 19,900 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। आवेदन शुल्क की बात करें तो SC ST फीमेल PWD और CSIR CIMFR के स्टाफ के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। शेष सभी अभ्यर्थी को 100 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे। आवेदन शुल्क का भुगतान SBI पेमेंट गेटवे के माध्यम से करना होगा। चयन की प्रक्रिया की बात करें तो आवेदकों का चयन स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट के आधार पर होगा। आवेदन कैसे करें तो इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले भर्ती अधिसूचना का पूरा विवरण पढ़ना आवश्यक है। आवेदन के ऑफलाइन हार्ड कॉपी केवल निर्धारित प्रारूप में सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की प्रतियों के साथ पंजीकृत या स्पीड पोस्ट से भेजी जानी चाहिए। आवेदन पत्र भेजने का पता प्रशासनिक अधिकारी केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान बरवा रोड धनबाद 826001 झारखंड। आवेदन पत्र की अंतिम तारीख 17/2/2020 तक बताए गए पते पर पहुंच जाना चाहिए। इस भर्ती विज्ञापन की विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट CIMFR.NIC.IN पर विजिट करें। हम आशा करते हैं कि आपको हमारे साप्ताहिक रोजगार समाचार पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।